स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ द अर्थ इज फॉर्म्ड। सो देयर आर मेनी टॉपिक्स। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूँ कि क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। कि हाउ द अर्थ इज इवॉल्व्ड, कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उस पर डिस्कस करेंगे। एंड द सम फैक्ट्स अबाउट द मून, तो मून का कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज हाउ डिड द अर्थ फॉर्म, अर्थ जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हाउ द अर्थ इवॉल्व्ड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बिग बैंग थियरी एंड बिग बैंग एक्सप्लोजन, बिग बैंग थियरी इज द प्लॉजिबल थियरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द ऑल द गैलेक्सीज एंड ऑल द स्टार्स इवन ऑल द अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सेम प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्थ कैसे बना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब क्लंप ऑफ गैस बना था, क्लंप ऑफ गैसेस से नेबुला फॉर्म हुआ था, नेबुला से गैलेक्सीज फॉर्म हुआ था और उस गैलेक्सी से फिर से अगेन छोटे छोटे गैस का जो है वो गुच्छा बनना स्टार्ट हो गया था और छोटे गैस जो है वो एक तारा का रूप ले लिया। ओके, एक स्टार का रूप ले लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हॉट गैस है एंड हॉट गैस कैन रोटेट एंड ऑफ कोर्स कॉज ऑफ द रोटेशन वहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स क्रिएट होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण जो है वो अराउंड द सेंटर जो गैसेस है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया और फाइनली एक तारा का निर्माण हुआ, एक जो हम लोग का सन है, जो स्टार है उसका फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन है, तो सन के अराउंड जो सन है, तो सन के जो बाहरी भाग है अराउंड जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे और डस्ट पार्टिकल्स वो कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक दूसरे से अटैच होने लगे और उस अटैचमेंट से धीरे 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 क्या हो गया, वो भी अपने एक्स पे एक सेंटर के अराउंड घूमना स्टार्ट हो गया और फाइनली उससे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज का फॉर्म हुआ जिसे हम प्लैनेट्स कहते हैं, उसमें एक हमारा अर्थ भी है। तो शुरुआत में अर्थ वॉज इन गैसेस स्टेट, स्टार्टिंग में जो है अर्थ गैसेस स्टेट में था। बाद में जो है अर्थ वॉज डोमिनेटेड बाय हीलियम एंड हाइड्रोजन काइंड ऑफ द एटमोसफियर, कि जो अर्थ का फर्स्ट काइंड ऑफ एटमोसफियर था इट वॉज डोमिनेटेड बाय हीलियम एंड हाइड्रोजन काइंड ऑफ गैस। ओके, लेकिन ड्यू टू द सोलर स्टॉर्म दीज काइंड ऑफ द गैसेस वर टोटली वाइप्ड आउट। उस गैस के जाने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बिकम्स कूल एंड कूल, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था और जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि उसी टाइम बहुत सारे जो है वोल्केनिक एरप्शंस का इमरजेंस हुई थी। और सिर्फ वोल्केनिक एरप्शन ही नहीं आए थे, साथ साथ बोलते हैं बहुत सारे उल्का पिंड जिस दैट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार और मीटियोर, तो मीटियोर या कॉमेट जो है अर्थ के सरफेस से बहुत सारा टकराया था। ओके, और इवन तो इससे क्या हो गया, यू नो कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो ऊपर के परत धीरे 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 सॉलिडिफाइड हो गया और उस सॉलिडिफिकेशन से अर्थ के इनसाइड जो है वो लिक्विड वर्म मटेरियल ऑलरेडी रह गया था और फाइनली कॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यू नो कि सच काइंड ऑफ द लिक्विड मटेरियल गॉट एरप्टेड दैट इज कॉल्ड वोल्केनिक एरप्शन। और उस वोल्केनिक एरप्शन के साथ साथ उसमें मीथेन गैस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेस एमर्ज हुई थी जिससे सेकेंड काइंड ऑफ द एटमोसफियर फॉर्म हुआ था। ओके, और सेकेंड काइंड ऑफ द एटमोसफियर फॉर्म होने के बाद फिर अगेन जो है वो एक्वेटिक एनिमल, सॉरी जो वाटर वेपर्स था वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हुआ। क्लाउड्स के बाद बहुत ही सालों तक बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, उस बारिश के से जो वाटर था उसका जो पानी था वो लोअर एरिया में जो है वो गैदर हो गया, उस गैदरिंग से ओशन बना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारा जो ओशन बना है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो बना है, जबकि अर्थ का जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर अगो है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि जो अर्थ का द एज ऑफ द अर्थ इज अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स। तो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, जिस जो स्टार्टिंग में गैसेस स्टेट में था लेकिन बाद में ये जो है सॉलिडिफिकेशन हो गया, क्या हुआ मैं बताया आपको। और इसके साथ साथ जो है फिर वोल्केनिक एरप्शंस के कारण जो है वो गैस
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, वाटर वेपर्स, ऐसे गैसेस की एमरजेंस हुई थी। वाटर वेपर्स फाइनली क्लाउड्स में कन्वर्ट हुई और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, वो कई सालों तक बारिश हुई थी। उस पानी से ओशन का फॉर्मेशन हुआ है अराउंड 4 बिलियन ईयर वो। ओके, अबे वाटर दैट इज द हाइड्रोस्फीयर, सॉलिड सर्फेस दैट इज द लिथोस्फीयर एंड ऑलरेडी एटमोसफियर वॉज देयर। तो ड्यू टू दी केमिकल रिएक्शन, ऐसा बोलते हैं, सिंगल सेल बनी थी, सिंगल सेल से यूनिसेलुलर बॉडी बना था। अमीबा वॉज द फर्स्ट सच काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर था। उसके बाद अमीबा के बाद जो है वो इन वर्टिब्रेट्स काइंड के जो है एक्वेटिक एनिमल्स और साथ साथ सलाइवा और एल्गे का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद जो है वो एक्वेटिक एनिमल से फिर धीरे धीरे एम्फेबियन मीन्स वॉट सच काइंड ऑफ द एनिमल एंड क्रिएचर जो वाटर और साथ साथ जो है आप ज़मीन पर रह सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फेबियन। तो एम्फेबियन में आप बोल सकते हैं जो एम्फेबियन में जैसे आपका टर्टल हो गया। ओके, तो ये टर्टल क्या एम्फेबियन है, एम्फेबियन का जो है वो एवोल्यूशन हुआ था। उस एम्फेबियन से धीरे धीरे रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन हुई थी, उस रेप्टाइल्स से फिर धीरे धीरे मैमल्स की एवोल्यूशन हुई थी, उस मैमल्स से फिर एप जो हमारा एंसेस्टर है उस एप से फिर धीरे धीरे जो है ह्यूमन होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस और आज जो हमारा जीवन है वो इस तरह की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जब ओशन फॉर्म हुआ तो ओशन वॉज द ग्रेट सिंक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर ओशन के थ्रू एब्जॉर्ब होने लगा और फाइनली ओशन में जो एक्वेटिक प्लांट्स था वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते थे और इससे धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ डोमिनेटेड बाय प्रेजेंट काइंड ऑफ द गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन और इस तरह का थर्ड काइंड ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। तो इसको हम लोग कुछ वीडियो प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। आज से 4.5 करोड़ साल पहले जो गैसेस का नेबुला था, गैसेस के नेबुला और गैसेस एक सेंटर पोजिशन, क्योंकि वो हॉट गैस था, इट वॉज द हाइड्रोजन गैस एंड इट वॉज स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट अराउंड द सेंटर एंड फाइनली कॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मैसिव गैस बॉडी वॉज फॉर्म्ड एंड इट इज कॉल्ड द स्टार। और इस तरह से हमारे सन का इवोल्यूशन हुआ और हमारा सन इवॉल्व हुआ। और सन के एवोल्यूशन के बाद सन के बिकॉज सन इज़ सो मैसिव तो ऑफकोर्स इट हैज़ सम ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही हाई है। इसके आसपास जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, जितने भी छोटे कण थे वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गया कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फाइनली इस जो अटैचमेंट से, इस जॉइंट से बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो है हमारे जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ जिसमें बहुत सारे कॉमेट्स एंड बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं। इसके बनने के बाद जब हमारा इसमें एक हमारा अर्थ है, अर्थ जब बना तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था इट वाज डोमिनेटेड बाय हीलियम एंड हाइड्रोजन एंड कॉज ऑफ द हीलियम सोलर स्टॉर्म इट वाज टोटली वाइप्ड आउट और जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही कूल हो गया। कूल होने के बाद जो है अर्थ का ऊपर का पार्ट सॉलिडिफाइड हो गया। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो है अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो मोल्टन मटेरियल, इट इज द व्हाट मोल्टन मटेरियल दैट इज कॉल्ड द लावा और मैग्मा, उस मैग्मा का एरप्शन स्टार्ट हो गया। और साइमल्टेनियसली एरप्शन के साथ साथ जो उल्का पिंड है दैट इज कॉल्ड द मीटियोर एंड मीटियोराइट्स वो भी अर्थ सरफेस पे गिरना स्टार्ट हो गया। और उसके गिरने के कारण जो है अर्थ में जगह जगह पे है बहुत बड़ा क्रैटर्स, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। ओके, और नीचे की तरफ से जो मैग्मा एरप्ट हो रहा था उसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स, तो ऐसे जो है इस तरह के जो है गैसेस का इमर्जेंस हुई और जिसमें वाटर वेपर्स का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आफ्टर सम टाइम वाटर वेपर्स गॉट कन्वर्टेड इंटू द क्लाउड्स एंड फिर बारिश होना स्टार्ट हुआ और मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो बारिश हुई थी। उस हैवी रेनफॉल के कारण जो है वाटर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया और फाइनली जो क्रैटर एरिया था वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो गया और फाइनली ओशन का फॉर्मेशन हुआ। तो आज से 4 बिलियन ईयर एगो ओशन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ओशन के फॉर्मेशन के बाद दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर एंड ऑलरेडी जो है अर्थ का सरफेस सॉलिडिफाइड हो चुकी थी, ओशन का फॉर्मेशन हो चुका था और इवन एटमॉस्फेयर में न्यू काइंड के गैसेस भी आ चुके थे। तो 3500 करोड़ ईयर्स के आसपास जो है बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो है यूनिसेलुलर बॉडी, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक क्रिएचर जो इनवर्टिब्रेट्स होता था जिसका स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता था, इस तरह के जो है प्राणी का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, और जब इस तरह के प्राणी का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया तो साथ साथ जो है वो
एल लगे देखिए किस तरह के, इसमें वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। 60 करोड़ ईयर्स का जो है वो एक्वेटिक क्रिएचर था, जो बहुत ही ऑक्टोपस के टाइप का जो है वो क्रिएचर इवॉल्व हुआ। और कुछ देर के बाद जो ओडोविशियन एज के आसपास जो है उसमें शार्क में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग बोलते हैं कि वर्टिब्रेट काइंड के एनिमल आना स्टार्ट हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि 40 करोड़ ईयर्स का जो है वो फाइनली शार्क इवॉल्व हुआ इन द ट्रायसिक एज। और 35 करोड़ एज में जो है आपको एम्फीबियन, जो वाटर एंड लैंड दोनों पर रहते हैं उसको एम्फीबियन कहते हैं, और एम्फीबियन जो है वो ज़मीन पर रहना सीख गया। और फिर प्रेमियन पीरियड में जो है वो रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन। और ट्रायसिक पीरियड में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े रेप्टाइल्स, इतने बड़े रेप्टाइल्स जो बड़े बड़े पंछी को खा जाता था। और ये जुरैसिक पीरियड में जो है वो डायनासोर, जुरैसिक पीरियड में जो है वो डायनासोर का इवोल्यूशन हुआ है। ओके, एंड अराउंड 40 करोड़ ईयर्स इतने बड़े बड़े पंछी था जिसका पंख जो है वो 40 to 50 meters का हुआ करता था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये होगा। ओके, और क्रेटेशियस पीरियड में जो है वो डायनासोर का जो है वो बिल्कुल मैमल्स की तरह कन्वर्ट ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टी रेक्स का इवोल्यूशन हुआ था। देन ट्रायसिक कैरेट्स का भी इवोल्यूशन हुआ था, और फाइनली जो है मैमल का इवोल्यूशन हुआ था। ओके, उस मैमल के इवोल्यूशन से जी एप का इवोल्यूशन हुआ था, और उस एप के इवॉल्व होने के बाद फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मानव जाति का इवोल्यूशन हुआ है, जो कि मैं आपको हिस्ट्री में एक्सप्लेन कर चुका था कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ था। उसमें पहले होमिनोइड्स, जो 2.5 करोड़ ईयर्स पहले होमिनोइड्स नाम का एप जो है उस तरह था। फिर रैमापिथेकस, जो 1.5 करोड़, जिसका जो स्केल्टन अफ्रीका से मिला है, रैमापिथेकस का स्केल्टन अफ्रीका से मिला है। ओके, देन था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 40 लाख ईयर्स तक वो इस तरह के जो ह्यूमन बींग का एवोल्यूशन हुआ था। और इसके बाद होमो हैबिट्स के बाद होमो इरेक्टस। ओके, होमो हैबिट्स अराउंड 25 लाख ईयर्स अगो, एंड आफ्टर दैट होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस पीरियड से हम लोग हिस्ट्री भी स्टडी करते हैं, जो अराउंड 18 लाख ईयर्स अगो इसका एवोल्यूशन हुआ था, और हम लोग हिस्ट्री 5 लाख ईयर्स से पढ़ते हैं। होमो इरेक्टस के बाद फिर होमो सेपियंस, जो फायर का डिस्कवरी किया था, फायर का एनिमेशन किया था, और फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस जो है वो सिविलाइज्ड होने लगे। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो सिविलाइजेशन है वो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्थ, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एक्सिस, ये जो है हमारा अर्थ का एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर एक्सिस। द अर्थ रोटेट्स ऑन the imaginary axis is called polar axis, upper pole is called north pole, lower pole is called south pole. basically हम लोग अगर इसमें देखते हैं तो this is the line which divides the earth into two equal parts and is perpendicular to the polar axis is called equator. तो ये जो हम है ना, ये equator plane है, equator। तो हम लोग देख सकते हैं कि अभी ये vertical axis है, okay, और ये horizontal axis है। तो ये जो equator और इसके बीच में जो ये angle है, ये कितना है, 23.5 degrees का एंगल बनता है। ओके, तो अर्थ जो है टिल्ट है, अर्थ जो है थोड़ा इंक्लाइंड है, झुका हुआ है 23.5 degrees से। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23.5 degrees। ओके, एंड जो मून है, ये जो आप देख रहे हैं मून जो है वो अर्थ से 5 degrees, ये जो है अर्थ के प्लेन से 5 degrees, ये जो देख रहे हैं ना, तो 5 degrees जो है वो टिल्ट है। तो इवन मून, द अर्थ, द मून एंड द सन आर इन द नॉट द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं मून जो है वो अर्थ से 5 degrees पे झुका हुआ है, और अर्थ जो है वो इक्वेटोरियल जो प्लेन है उससे 23.5 degrees से झुका हुआ है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी था। रोटेशन ऑफ द अर्थ, द सन एंड द सीजंस, जैसे मैंने बताया कि द सन रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। देखिए, जिस तरह से ऑल स्पैनिंग ऑब्जेक्ट्स हैव एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एन एक्सिस। ओके, सपोज ये टप्पू, आप जो है आपका ये जो टॉप है, और टॉप रिवॉल्व हो रहा है अराउंड दी, आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड जो है घूम रहा है, दैट इज इमेजिनरी लाइन। तो हम लोग इस तरह देखते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो भी इमेजिनरी लाइन के अलॉन्ग जो है वो रोटेट हो रही है, और दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड दी वॉट, पोलर एक्सिस। बेसिकली इट इज टिल्ट, ये जो है वो झुका हुआ है। तो अपर पोल इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और लोअर पोल इज कॉल्ड द साउथ पोल।
आप देख रहे हैं कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट के तरफ रोटेट हो रही है। आप देख रहे हैं इसका रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, तो इस तरह से रोटेशन हो रहा है, ये इसका आपको हमेशा याद रखना है। सो देयर इज वन प्लैनेट विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज वीनस, एंड यूरेनस भी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ पर अर्थ का जो स्पैनिंग हो रही है अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन, एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है अर्थ रोटेट कर रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी मालूम पड़ गया होगा कि जो अर्थ थोड़ा टिल्ट है, बिकॉज बेसिकली इसका जो टिल्टनेस है ये आप एंगल देखेंगे तो 23.5 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सपोज दिस इज सन, ये जो है आपका सन है, ये टॉर्च जो है आपका सन है, और सन से सनलाइट जो है वो अर्थ पे आ रही है। आप देख रहे हैं कि इस अर्थ का ये साइड जो है वो लाइट में, दैट इज कॉल्ड डे, और ये साइड जो है वो डार्क में है, दैट इज कॉल्ड नाइट, एंड द डार्कनेस एंड लाइटनेस इज डिवाइडेड बाय अ इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड द इल्यूमिनेशन लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन लाइन बोलते हैं। तो अभी अर्थ ऐसे रोटेट भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली द अर्थ रिवॉल्व लाइक दिस ऑल्सो, अर्थ ऐसे रिवॉल्व भी हो रहा है। तो अर्थ का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों जो है वो साथ साथ हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अर्थ रिवॉल्व हो रही है एंड रोटेट हो रही है। ओके, एंड देख रहे हैं ना कि इट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये जो आपका सर्कल है इल्यूमिनेशन, आप समझ गए होंगे। ओके, तो इस तरह से जो है हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ रोटेट्स भी हो रहा है ऑन इट्स एक्सिस एंड साथ साथ इवॉल्व भी हो रही है। ओके, और जैसा कि मैं बताया था आपको, ये करिए थे आप देखिए यहाँ पे कि ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ओके, तो अभी इसके बाद जो है वो डे होने वाला है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डाउन। ओके, और आप ये देख रहे हैं ये लाइन जो है इसके बाद जो है नाइट होने वाली है, तो बोलते हैं क्या डस्क। तो ये और डॉन और डस्क, जिसको उनका सुबह के पहले होता है उसको डॉन बोलते हैं और शाम के बाद से ऊपर डस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे डस्क और डॉन किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, डस्क को ट्वीलाइट भी बोलते हैं, डस्क को आप ट्वीलाइट भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब जैसे आपको लग रहा है कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट कैसे रोटेट हो रहा है, ओके, या जो है मून, जो मून जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, सन जो है रिवॉल्व हो रहा है, तो बेसिकली अगर हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो आपको लगता है देखिए अर्थ जो है किस तरह से जो है वो ऐसे रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, और उस रेवोल्यूशन के साथ साथ जो है देखो द अर्थ टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द ईयर, एंड द अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.091 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द डे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनलाइट जो है सबसे पहले कहाँ पड़ती है, जापान, सो जापान इज कॉल्ड सन राइजिंग कंट्री। सनलाइट जो है सबसे पहले कहाँ फॉल होती है, जापान में, तो जापान इज कॉल्ड व्हाट, सन राइजिंग कंट्री। और ये सबसे लास्ट कहाँ होती है, तो अलास्का में। अलास्का कहाँ है, अमेरिका में है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर जापान में डस्क हो रहा है तो अलास्का में क्या होगा, डाउन होगा, अगर अलास्का में डाउन हो रहा है तो जापान में डस्क होगा। इस तरह से आप इससे वीडियो में देख सकते हैं। ओके, सो द सन इन द सेंटर, एंड आप देख रहे हैं किस तरह से रिवॉल्व कर रही हैं, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, ये एक्सप्लेन कर चुका था रिवॉल्यूशन। ओके, आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पे सनलाइट जो है वो फॉल हो रही है, देख रहे हैं आप। अब देखिए ये जो जो लाइट दिख रहा है आपको पोजीशन, ये जो जून में होता है तो ऊपर के पार्ट में ज़्यादा लाइट पड़ रही है, दैट इज समर सीजन, नीचे के पार्ट में जो है वो कम लाइट आ रही है, दैट इज कॉल्ड द विंटर सीजन, और ऊपर जो है लॉन्गेस्ट डे होगा, दैट इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस डे, और नीचे उस दिन सबसे शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगी। ऊपर आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं, इस पोजीशन पर जो है वो ऊपर कम लाइट है, दैट इज विंटर सीजन, नीचे जो है ज़्यादा लाइट है, दैट इज कॉल्ड समर सीजन, पोजीशन भी है। तो जस्ट ये ऑपोजिट, ये 6 मंथ्स के अंतराल के बाद जो है जस्ट उल्टा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऊपर जो आपका नॉर्थ पोल है वहाँ पर लाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है डार्क में रहते हैं, और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली लाइट में रहते हैं, इसलिए पोल पे 6 मंथ्स का डे एंड 6 मंथ्स का नाइट होता है।
आप इस पोजीशन आप देख सकते हैं कि द सनलाइट फॉल्स ऑन द इक्वेटर, इट मीन्स व्हाट कि वहाँ पे इक्विनॉक्स होगा, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट विल बी इक्वल। ओके, तो हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, दैट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो 21 मार्च को होता है। और वही जो है सेकेंड आफ्टर 6 मंथ्स एक दूसरा इक्विनॉक्स होगा, दैट इज कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स, जो 23 सितंबर को होगा। इस टाइम में भी जो सन का पोजिशन है वो इक्वेटर पर फॉल होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सोल्स्टिस जो है 21, क्योंकि मैं बताया कि समर सोल्स्टिस मीन्स व्हाट कि द सन ओवरहेड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द डे विल बी लॉन्गेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस डे, इट हैपेंस ऑन 21 जून। एंड सेम एज द सन फॉल्स ऑन द सन ओवरहेड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इट हैपेंस ऑन 21 डिसंबर, देन द लेंथ ऑफ द डे ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर विल बी लॉन्गेस्ट, दैट इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस डे, इट हैपेंस ऑन 21 डिसंबर। तो आप ऑर्बिट, तो अर्थ जो है अर्थ रोटेट इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में वो घूम रहा है। अब अर्थ जो है यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अर्थ जो है पूरा चक्कर लगाने के लिए 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स का टाइम लेता है। तो आप यहाँ देखिए, क्योंकि अर्थ इज इंक्लाइंड बाई 23.5 डिग्री, आप देख सकते हैं अर्थ जो है इससे 23.5 डिग्री जो है वो इंक्लाइंड है। तो ऑफकोर्स इसका जो इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर। सो अभी सन लाइट जो है वो डायरेक्टली जो है फॉल्स ऑन द अर्थ, तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली फॉल हो रहा है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटली फॉल हो रहा है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होगा वो विंटर का सीजन होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर जो है वो समर का सीजन होगा। तो विंटर का सीजन, समर का सीजन, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे द सन ओवरहेड्स, यहाँ पे आपका होगा ट्रॉपिक, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है सन ओवरलैप ओवरहेड हो रहा है। दैट इज वाई अगर सन का पोजीशन यहाँ पे है और अर्थ का पोजीशन यहाँ है, तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा, दैट इज कॉल्ड द समर सॉरी विंटर सोल्स्टिस डे। एंड विंटर सोल्स्टिस डे इट हैपेंस ऑन 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को क्योंकि विंटर सोल्स्टिस डे होता है। इसके जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो है जस्ट अपोजिट हो रहा है, मीन्स व्हाट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली फॉल हो रहा है, और यहाँ पर बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इफ द सन ओवरहेड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन द लेंथ ऑफ द डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी लॉन्गेस्ट, दैट इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस डे। आप देख सकते हैं इट हैपेंस ऑन 21 जून। अगर अर्थ यहाँ पर आती है तो इस पोजिशन पर जो है द सन लाइट फॉल्स ऑन द इक्वेटर एंड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स द सन लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दैट इज वाई ये नीदर टू हॉट नॉर्थ टू कोल्ड। तो ऊपर के टाइम पे क्या स्प्रिंग सीजन हो जाएगा ऊपर के हेमिस्फीयर में, और नीचे के हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा ऑटम सीजन हो जाएगा। ओके, एंड ऑन द डे द सन ओवर हेड्स द इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स, बिकॉज उस दिन डे और नाइट की लेंथ इक्वल हो जाती है, इसलिए इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, समर इक्विनॉक्स। और इस पोजिशन पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन ऊपर ऑटम सीजन है और नीचे स्प्रिंग सीजन है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये स्प्रिंग सॉरी ऑटम इक्विनॉक्स, यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ओके, समर सोल्स्टिस डे, विंटर सोल्स्टिस डे। तो हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे सोल्स्टिस हो रहा है। और देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन द अर्थ इज कॉल्ड एपहेलियन, दैट इज कॉल्ड व्हाट एपहेलियन। और एपहेलियन जो है वो इट इज अराउंड 152 मिलियन किलोमीटर। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड पेरिहेलियन, पेरिहेलियन। द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो ये जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे मौसम चेंज होता है, कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ द सीजन्स हैपन। सीजन क्यों होता है, रेवोल्यूशन के कारण। ओके, और दूसरा जो ये इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन रेवोल्यूशन के कारण जो है वो सीजन्स चेंज होती है,
लेकिन डे और नाइट जो है वो क्यों होती है, कॉज ऑफ द रोटेशन द अर्थ। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है, ये कॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड दी व्हाट इल्यूमिनेशन लाइन। तो इल्यूमिनेशन लाइन को जैसे ही क्रॉस करता है तो इधर जो है वो नाइट हो जाता है, इधर जो है वो हो जाएगा डे हो जाएगा। तो शायद से आप लोग समझ गए होंगे। ओके द सन द मून एंड द अर्थ ऑल दीज आर इन द डिफरेंट प्लेन, बिकॉज जो मून का प्लेन है वो अर्थ से 5 डिग्री टिल्ट है और अर्थ जो है वो सन को चक्कर लगा रहा है 365 डेज 5 hours 48 minutes 12 seconds एंड मून जो है वो अर्थ को चक्कर लगा रहा है 27 days 7 hours 43 minutes and 11.5 seconds जो उसको हम बोलते हैं सीडल मंथ। द सन इज द सेंटर, अब देख सकते हैं अर्थ से जो है तोरा सन टिल्ट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, फिर विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर होता है फुल मून, फुल मून हाउ नाउ वी कैन सी दी फुल मून, बिकॉज फुल मून के टाइम में आप देख रहे हैं कि फुल मून के टाइम में क्या हो रहा है कि द सन लाइट इज रिफ्लेक्टेड टोटली टूवर्ड्स द अर्थ एंड वी कैन सी द सरफेस ऑफ द सन, तो दैट इज कॉल्ड द फुल मून। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है एंटायर जो लाइट है वो टुवर्ड द अर्थ रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द फुल मून। आप देख रहे हैं किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके इस पोजिशन में हम लोग क्या फुल मून है, सपोज ये इंडिया भारत है और भारत से अगर कैमरा है, अगर हम लोग भारत अगर रोटेट होती है, जैसे अभी डे है, अभी दिन का टाइम है, फिर भी हम देख सकते हैं ऊपर से विजिबिलिटी थोड़ा कम दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही शाम होगा और फिर रात होगा तो हम लोग पूरी रात जो है वो मून लाइट को देख सकते हैं। तो इसे हम फुल मून बोलते हैं और वो जो राइट जो सनलाइट है दैट इज कॉल्ड मून लाइट, द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून दैट इज कॉल्ड मून लाइट एंड मून लाइट टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस। ओके तो मून इस पोजीशन पे है और उस तरह से मून जो है वो अर्थ को चक्कर लगा रहा है, लेकिन उस पोजीशन में हम लोग पूरा का पूरा मून देख सकते हैं और किस तरह से मून जो है वो अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूम रही है और साथ साथ मून जो है वो अर्थ को चक्कर लगा रहा है। ओके तो अलग अलग पोजीशन पे मून का हम लोग अलग अलग पार्ट दिखाई देगा। ओके जैसे हम लोग का फ्रंट साइड में हम लोग को पूरा एंटायर मून दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा है तो मून का थोड़ा सा फेस हमें कम दिखाई दे रहा है। देखिए मून पे कुछ ऐसे ऐसे धब्बे दिखाई दे रहा है जो क्रैटर्स है। देखिए ये जो है मून की विजिबिलिटी कम हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से मून की विजिबिलिटी कम हो रही है। ओके जैसे जैसे मून आगे बढ़ेगा तो मून की विजिबिलिटी कम होती जाएगी। ओके और दैट इज कॉल्ड दी वैनिंग मून, मून अगर घट रहा है विजिबिलिटी कम हो रही है वैनिंग मून। यहाँ पर जाता है क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर जो आधा मून आपको दिखाई देगा। फिर अगर मून जो है सन के सामने आ जाता है, अगर मून जो है अगर आपको सन के सामने आ जाता है तो मून लाइट आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मून का लाइट जो है वो टुवर्ड्स द वीनस से रिफ्लेक्ट होता है और मून का जो बैक साइड है जो शैडो साइड है वो हम लोग अर्थ सरफेस से देखते हैं जो हमें नहीं दिखाई देगा। ओके देखिए फर्स्ट क्वार्टर है, मून का पोजीशन कहाँ पे है, अर्थ का पोजीशन कहाँ पे है और सन का पोजीशन कहाँ पे है। तो मून का हाल आधा पार्ट दिखाई देता है, तो क्रिसेंट मून बोलते हैं, मून की और कम होती है क्रिसेंट मून, और ये कम्प्लीटली डार्क अगर हो जाता है इसको अमावस्या बोलते हैं या न्यू मून बोलते हैं। देखिए तो अभी यहाँ पे सनलाइट जो है मून के बैक साइड को हम लोग नहीं देख पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर लाइट नहीं है, बिकॉज मून हैज नो इट्स ओन लाइट, दैट इज वाई वी कैन नॉट सी द मून फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो हम लोग मून को नहीं देख सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून और अमावस्या बोलते हैं। देखिए इस अमावस्या फिर से जो है जैसे वो आगे मूव होता है तो थोड़ी सी लाइट आपको दिखाई देगी, वो क्रिसेंट मून है और ग्रेजुअली ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो ये जो मून की लाइट थोड़ा थोड़ा जो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे विजिबिलिटी घट रहा था दैट इज कॉल्ड व्हाट वैनिंग मून कृष्ण पक्ष, और फिर विजिबिलिटी बढ़ रही है दैट इज कॉल्ड दी वैक्सिंग मून दैट इज शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वैनिंग मून और वैक्सिंग मून। आप देख सकते हैं कि 15 डे अमावस्या होता है, दिन प्रतिपदा होता है डे फर्स्ट को, मतलब अमावस्या के बाद प्रतिपदा होता है, दिन द्वितीय होता है सेकेंड को, दिन आपको तृतीय होगा, पंचमी होगा, पंचमी बता दिए कि विजिबिलिटी बढ़ रही है, किस तरह चतुर्थी पे विजिबिलिटी कम होती है तो पंचमी पे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और इस तरह से जो है हमारे कैलेंडर में
जो है तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। अब देखिए सप्तमी अष्टमी में आधा मून जो है वो आपको दिखाई देगा, सेवन और एट्थ को आधा मून 50% मून आपको दिखाई देगा, जिसको एकादशी द्वादशी बोलते हैं। और धीरे धीरे एकादशी द्वादशी, ग्यारहवां बारहवां दिन जो है हमें बहुत सारे मून का पार्ट दिखाई देते हैं। और त्रयोदशी जो है 13th डे, एंड 14th डे जो है चतुर्दशी, और 15th डे आपका पूर्णिमा होता है। तो पूर्णिमा का दिन हम लोग को पूरा का पूरा मून दिखाई देता है, मून के सारे चक्र दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा वैक्सिंग मून और वैनिंग मून का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आप ये तीनों जो बॉडी है वो सेम लाइन में नहीं है, और जब वो सेम लाइन में आएगा तो एक्लिप्स होगा। जब तक वो सेम लाइन में नहीं है तब तक एक्लिप्स नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो सेम लाइन में आता है तो एक्लिप्स हो जाएगा। तो मून जब चक्कर लगाता है सन के तो अलग अलग फेज से गुजरता है, और मून की विजिबिलिटी डिक्रीज और इंक्रीज होती है। अगर इंक्रीज हो रही है दैट इज ऑल दी वैक्सिंग मून, अगर डिक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड दी वैनिंग मून। तो ये वैक्सिंग मून और वैनिंग मून का जो कॉन्सेप्ट है मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये मून कैसे बना? ऐसा माना जा रहा है कि मून किस तरह से बना है, बोलते हैं कि एक जो उल्का पिंड है जो अर्थ से जाकर के टकराया, उल्का पिंड से हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, मीटियर बोलते हैं, अब कुछ लोगों का कहना है वो इट वॉज दी कॉमेट। सो फाइनली वो पृथ्वी से जाकर टकराया, और पृथ्वी के टकराने के बाद अर्थ का कुछ पार्ट ऐसा है जो सेपरेट हो गया और अर्थ के ग्रेविटी में अर्थ के अराउंड घूमने लगा। ओके, तो उस ग्रेविटी या घूमने के कारण जो है, बिकॉज द मून ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज वाई इट बिकम्स टोटली स्फेरिकल। ओके, अब देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण किस तरह से होगा। वेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ देन द सोलर एक्लिप्स हैपेंस। आप देख सकते हैं कि मून की लाइट को जो है ऑब्सक्योर कर रहा है, ये जो मून है वो मून की लाइट जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा का शैडो जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है, तो उसी शैडो को हम एक्लिप्स कहते हैं। तो एक्लिप्स कब होगा, ये है सोलर एक्लिप्स, दैट इज कॉल्ड सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब मून जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच, मून जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, और मून का जो शैडो है वो अगर पृथ्वी में फलती है तो उसको हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अगर आप अर्थ से देखेंगे तो आपको देख सकते हैं कि आपको सन किस तरह से दिखाई देगा, सन के मिडल में एक धब्बा दिखाई देगा, बेसिकली वो धब्बा नहीं है वो मून है। ओके, तो वो मून को आप वहाँ पर अर्थ के सर्फेस पर देख सकते हैं थ्रू दी टेलीस्कोप। ओके, चंद्रग्रहण कैसे होता है, वेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून एंड द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून देन दैट इज कॉल्ड द व्हाट लूनर एक्लिप्स। एंड लूनर एक्लिप्स इट हैपेंस अराउंड द फुल मून डे, बेसिकली जिस दिन पूर्णिमा होता है फुल मून डे होता है उस दिन जो है लूनर एक्लिप्स होता है। तो ये सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स इसके थ्रू आप देख लिए, ठीक है। इस तरह से लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण। दिस इज दी सन, दिस इज द अर्थ, एंड आप देख रहे हैं कि ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, इसलिए सनलाइट जब मून पे पड़ता है तो ये मून सारे के सारे लाइट इधर रिफ्लेक्ट करता है। तो इस पोजीशन पे होता है फुल मून, क्योंकि अगर अर्थ सरफेस से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुल मून, मतलब आपको ये फुल मून दिखाई देगा, लेकिन जब आप यहाँ पे इस मून यहाँ पे मूव होता है तो ये थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द वैनिंग मून। मीन्स वो विजिबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो वैनिंग मून। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मून जो है वो उसकी विजिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब इस पोजीशन पे मून आती है तो आपको सिर्फ आधा मून दिखाई देगा, आधा मून इस साइड का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस साइड जो है शैडो है, इस साइड जो है लाइट है। और वी नो दैट द मून हैज़ नो इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, सो दैट इज कॉल्ड द मून लाइट। तो मून लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड का टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड द लास्ट क्वार्टर। अभी देखिए ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे मून का थोड़ा सा पट आपको दिखाई देगा, सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट वैनिंग मून, जो कि यहाँ पे वैनिंग मून, डिक्रीजिंग मून इज कॉल्ड वैनिंग मून। ओके, और यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है आप मून के ये पार्ट्स को अर्थ से नहीं देख सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द न्यू मून, जिसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। ओके, अगेन मून जो है इस पोजीशन पर आएगा, थोड़ा सा दिखाई देना स्टार्ट होगा, देखिए विजिबिलिटी का बढ़ रही है, यहाँ पे विजिबिलिटी हाफ हो गई, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे फुल मून।
तो विजिबिलिटी डिक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड वैनिंग मून, विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड द वैक्सिंग मून। ओके, तो मून जो है वो ऐसे पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है। तो मून को वन कंप्लीट, ये देख रहे हैं कि मून को वन कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए लगभग 27.5 डेज का टाइम लगता है, 27.5 डेज का टाइम लगता है। लेकिन तब तक अर्थ जो है, अर्थ वो भी मूव करेगा। तो जब अर्थ का पोजीशन अगर यहाँ पर आ गया तो मून जो है वो सेम पोजीशन पे, मीन्स व्हाट, कि इस पोजीशन पे आने के लिए 27.5 डेज का टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड द सीड्रल मंथ, SIDERAL, सीड्रल मंथ। लेकिन जैसे ही ये अर्थ इस पोजीशन पे पहुँचेगा तो मून को, अर्थ यहाँ पहुँचेगा तो मून यहाँ पे, अगर मून को एक लाइन में आने के लिए 2 दिन का ऑलमोस्ट टाइम लगता है, और जब यहाँ पाएगा तब फुल मून होगा। इसलिए फुल मून से फुल मून जो है वो 29 point something, मतलब अराउंड 30 डेज का टाइम लगता है। सो दैट इज कॉल्ड सिनोडिक मंथ, और सिनोडिक मंथ को हिंदू कैलेंडर पे कंसीडर किया गया है। साका कैलेंडर जो है हिंदू कैलेंडर, उसमें सिनोडिक मंथ को कंसीडर किया गया है। इसमें आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि मून का जो लाइट है, ओके, मून का जो लाइट है, ओके, तो यहाँ पे द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो डार्क आपको शैडो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड उम्ब्रा, लेकिन जो आपका लाइट शैडो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा। तो डार्क शैडो दैट इज उम्ब्रा, एंड लाइट शैडो दैट इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा। ओके, ये अर्थ का ऑर्बिट है। आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं हमें टोटल एक्लिप्स। जो उम्ब्रा का जो है ये बहुत ही डार्क होता है, जो अर्थ सर्फेस होता है सब बोलते हैं टोटल एक्लिप्स, और जो पेनुम्ब्रा का छाया पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो लूनर, जैसे सोलर एक्लिप्स होता है। ओके, और ये जो है आपका पार्शियल एक्लिप्स हो गया, और ये टोटल सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मीन्स व्हाट, कि द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, एंड द शैडो ऑफ द सन फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स, अब देखिए लूनर एक्लिप्स जो है दिस इज द सन, and when the earth comes between the sun and the moon, then the shadow of the earth falls on the surface of the moon, this is called the lunar eclipse. normally it happens on full moon day, जिस दिन full moon होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर moon यहाँ पर आता है तभी full moon possibilities है, तो full moon day को क्या होता है, lunar eclipse. okay, तो आप solar eclipse and lunar eclipse समझ गए। okay, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you very much.